आपको सबके सामने ऐसे इकरार नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब? इतनी मुश्किल से मैं शाहजहां को मना कर लाई थी और आप आयत? मैं यहाँ पे हूँ अभी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। आप ही हमेशा मुझे समझाने लग जाया करें, इन्हें कुछ मत कहिएगा कभी। ये जब चाहे अपनी मर्जी से लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। इनको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे ससुराल वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहजहां सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो, ठीक है? मुझे नहीं जरूरत किसी की भलाई की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। देख रही हैं अम्मिया? देख नहीं रही हैं? कितनी बदतमीज और हठधर्म होती जा रही है ये। लेकिन नहीं, आप सिर्फ मुझे समझाइएगा, क्योंकि इस घर में सबसे गलत सिर्फ मैं होती हूँ, हमेशा गलती मेरी होती है। नहीं, बल्कि आप दोनों मिलकर हमेशा मुझे समझाया करें, क्योंकि और तो बाकी सब समझदार हैं यहाँ पर। शाहजहां, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बिला वजह रोकने की? अपने आप को हलकान कर लिया। मैं पहले से ही जानती हूं उस लड़की की ये सारी हठधर्मियां। शरीफ लड़कियों के ये लच्छन नहीं हुआ करते। तौबा तौबा, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। अरे कैसे मुंह फाड़े सब लोगों के दरमियान मॉडर्न जमाने पे लेक्चर दे रही थी। देखो शाहजहां, जिस लड़की के चक्कर में तुम दिल को रोग लगा के बैठे हो ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं। बहुत ऊपर की चीज बन गई है, ट्रेलर तो देख लिया ना कल शाम को। बस इसीलिए कहे, वो स्याह करे या सफेद, तुम नहीं रोकोगे उसे। आखिर उसकी बहन भी तो है छोटी, मजाल है जो उस लड़की को किसी बात से रोक दो और वो दोबारा करने का सोच भी ले। अगर ये लड़की बड़ी दीदा हवाई तो भाई। एक ही बातें बार बार कहते तुम थक नहीं जाती अम्मा? मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी भाई, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगी। मोहब्बत करते हो मुझसे? बोलो शाहजहां, करते हो ना मोहब्बत मुझसे? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऋषि बैठ के बात करते, यही बात करते। और जल्दी बोलो, मुझे कहीं जाना है।
कहाँ जाना है आपको? जैसे आपकी मंगनी हुई है उससे मिलने? मनुजी, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जहर अच्छा लड़का नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगी? तुम्हारे कहने से क्या होता है? हकीकत तो सबके सामने ही है ना। क्या नहीं है जहर के पास? इस कदर पैसा है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है उसका। ये सब कुछ तो मैं ख्वाब में सोचा करती थी, मुझे तो घर बैठे मिल गया है। बस यही चाहिए था आपको? एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? अच्छा घर, अच्छा शौहर, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर, ये सब कुछ है उजैर के पास। मुझे तो लगता है मैंने कोई नेकी की होगी जो बैठे बिठाए मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। जाहिरी चमक दमक पे ना जाए आप, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। मुझे लगता है उजैर आपके काबिल नहीं है, उसे शादी ना करें, आप पछताएंगी बहुत। तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बात आप मुझसे बोल रही हैं। अरे जी, मैं से सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि तुम किस कदर भेज सकते हो। मुझे यूं जलील मत करो शाहजा, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। सहना मुश्किल।